बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी, और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू, प्रश्न सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे, और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका जीएस उदय, जी? जीएस उदय, कितने साल से वकालत कर रहे हो? हाई 2007-08, कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। अरे हाँ तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? नहीं माय लॉर्ड, आई वो अरियर पिटीशन एंड प्रेजेंट पिटीशन बहुत डिफरेंट फैक्ट एंड डिफरेंट और ग्राउंड क्या में। लिखा है इसमें बताइएगा। इसमें एनेक्जर P1 देखेंगे माय लॉर्ड, आप P1 बताइए। P1 ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। यदि आपके ये वही ग्राउंड्स हैं, सारे वही नहीं ग्राउंड्स हैं। पैसा एक माई लॉर्ड, नीचे में पढ़ रहा हूँ ना, जिला पर कहाँ प्रशासन द्वारा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार, पढ़, किस पेज पे पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 12 हाँ कहाँ पढ़ रहे हैं? नीचे, हाँ जी जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 घ में प्रदत्त अधिकारों का हनन उल्लंघन किया जा रहा आपने है वो पिटीशन पढ़ी है? जी। वो पिटीशन और उसमें हमारा ऑर्डर पढ़ा है नहीं पढ़ा है? आप जी उस बोल रहे हैं अलग है। माई लॉर्ड में अलग है ना इन साहब इसमें। एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए। हैव यू गॉन थ्रू दैट ऑर्डर? माई लॉर्ड आपके जो स्पॉन्सर करता है उन्होंने आपको वो आदेश पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया जो वो हमने पिछली तारीख को पास किया पारित किया है? उस ऑर्डर में माई लॉर्ड ग्राम सभा की परमिशन पे नहीं लिया गया इस आधार पे। और इसमें ये है, हाँ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है माई लॉर्ड जी कि वेयर इज प्रोग्राम्स बीइंग डन माई लॉर्ड, द बीइंग द बिग देव इज द प्लेस देयर माई लॉर्ड, जी जहाँ पे कहिए। कार्यक्रम कराया जा रहा है माई लॉर्ड, वहाँ पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है। यही तो बता रहा हूँ मैं नीचे, क्या लिखा है पढ़िए। यह कि पंडित धीरे राम भादु को तक कथावाचन किया जाना नियत किया गया है। उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ा देव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी बताइए बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी वहां से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? मैं माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए, इसमें माय लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। द कहाँ से पढ़ के पिटिशन, बता रहे हैं? हाँ बताइए। पैराग्राफ नंबर दिए पैराग्राफ 1 है माय लॉर्ड, द पिटिशनर हैज है आपको, लगवाई है उनसे, इतना तो समझ लीजिए हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं जिसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। बड़ा बड़ा देव भगवान स्थल है जी और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस जी पहुंचेगी। जी मैंने आपसे सवाल पूछा इन बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, जी उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहां। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा कौन से स्थान पर नहीं होगा? पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूं, आप समझने को तैयार नहीं है में प्रावधान है जी। ये मान्यताओं का उत्तर है। जी कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो सजेस्ट से प्रावधान है बात वो करिए बता रहा हूं पहले। मैं। नहीं, यू टॉक आप टू टॉक प्रॉपरली। नहीं, आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहां दी है पढ़ के मैं बता बताइए। रहा हूं ना। हाँ हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्ती। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल, शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड मैं नहीं, बता रहा, फर्स्ट आप तो आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस माय अगेंस्ट दी लॉर्ड पिटिशनर आर्टिकल काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो मैं बता रहा हूं। पहले मैंने आपसे सवाल क्या पूछा पहले था, तो आप सुन ही नहीं रहे मैंने आप। आपसे सवाल क्या पूछा था, पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट पहले कर रहा मेरा हूं, सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं उसको आप पहले सुने।
आर्गुमेंट सुने हम ना, नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट, नहीं आप सवाल का उत्तर देंगे एक जब तक काम नहीं, करो, नहीं, नहीं, नहीं सुनेंगे, और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो सॉरी सॉरी, अब आप दूसरा सवाल सुनिए उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये चलते सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको ये फाइल पिटीशन फाइल करने के लिए? माइंड यू सॉरी सॉरी मिलो, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तहजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे ये आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदि समाज आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? मिलोर्ड, इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम नहीं, ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूँ, यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे, और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका जीएस उदय, जी? कितने जीएस उदय, साल से वकालत कर रहे हो? 2007-08, हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से हाँ तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन लाइए पहले। ये हेमलता धुर्वे और ये कौन नाम, हरनाम मरावी, किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? उस संस्था का सर्व आदिवासी समाज का रिजोल्यूशन बताइए जिसने कि इन दो लोगों को, हेमलाल धुर्वे जी को और हरनाम मरावी को ऑथराइज किया है ये पिटीशन फाइल करने के लिए। सर, इसमें जो पेज नंबर 47 है हमारे, पेज नंबर 47 जी, इस जी फोर्टी बताइए। सेवन 48 और 49 हाँ में, पढ़िए उसको, पढ़िए प्लीज। 47 48 में क्या लिखा है? आज ये टाइप कॉपी पढ़ रहा हूँ मैं, जी आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की संयुक्त बैठक श्रीमान धारा सिंह मंसूरी जी के अध्यक्षतम तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी समाज के सामाजिक संगठन पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित, महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित हुए, सहमति बैठक कार्यवाही सगाजनों के विचार मनन का निष्कर्ष लिया गया, जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(5) अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा या 1996 के नियम 22 के तहत कहाँ है लागू, लेटर हेड, कहाँ है ऑथराइजेशन? लेटर हेड लगाए प्लेन प्लेन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे, उसका कोई जी सर, औचित्य थोड़ना है। ये जब बयान आप ये लगा रहे हैं जी इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं, दिखाए ना पीछे पेज।